फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ स्क्रीन लॉक जो टाइमर होता है उसको कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यानी कि आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। जो मेरे पास फ़ोन है इन्फिनिक्स का फ़ोन है और मैंने 5 मिनट पे सेट कर रखा है। आप चाहे तो 30 मिनट या फिर 10 मिनट भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम आप 15 सेकेंड तक ऑफ सेट कर सकते हैं। 15 सेकेंड पर मैंने ऑफ सेट कर दिए है। 15 सेकेंड तक मैं अपने स्क्रीन पर टच नहीं करूँगा तो मेरा ऑफ हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ड्यूरेशन घटाने और बढ़ाने का काम आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने टच नहीं किया तो ये ऑफ हो गया। तो इस पर आपको फिर से आपको इसको लॉक खोलना के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, 30 मिनट तक कर सकते हैं, यानी कि 30 मिनट की क्लासेस वगैरह चलता है तो उस टाइम आपका काम आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग में सबसे नीचे जाना है, सिस्टम पर। सिस्टम पे जाने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे गाइड ऑप्शन और बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इसको हम बैक करेंगे। यहाँ पे नहीं होता है स्क्रीन लॉक टाइमर। मैं आपको बताता हूँ, डिस्प्ले होगा, यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन लॉक टाइमर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप टाइमिंग को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।